मटन डाले तो पनीर नहीं डाले। इसी श्रृंखला में निवेदन करेंगे श्री विकास कल्याण स्त्रोत्र हमारा
इस तरह से होगा सीएम राइज का जो भवन होगा इस तरह से वो बनेगा। तो ये फ्लोर ग्राउंड का फ्लोर प्लान है, आगे बनने वाला भवन हमारा इस तरह से दिखाई देगा। ये साइट प्लान है किस तरह से हमारा भवन होगा। इसके बाद स्कूल बिल्डिंग प्लान, ये आपके सामने दिख रहा है कि कैसा हमारा भवन होगा, किस तरह से इसका निर्माण किया जाएगा, किसमें कैसे उत्तम शिक्षा और आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी। अब आपके सामने हमने कुछ क्लासरूम की क्लिप डाली है। जैसा मैंने पहले बताया था कि हमारा मिशन है आनंद पूर्वक आनंदमय माहौल बनाकर बच्चों को शिक्षा देना। तो जैसे हमारी क्लासरूम कुछ हमने यहाँ पे पिक्स डाली है बच्चों के द्वारा माउंट सीट चार्ट और क्लास को डेकोरेट करके कि बच्चे अच्छा फील करें, चाहे वो घर से जिस भी कंडीशन में आए हों, क्लास में आने के बाद उनका मन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगा रहे। तो हमारे बच्चे और शिक्षक मिलकर क्लासरूम को इस तरह से डेकोरेट करते हैं ताकि हमारा वातावरण अच्छा बना रहे। प्लेग्राउंड जहाँ पे स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, ये प्लेग्राउंड की हमारी पिक है। मॉर्निंग और इवनिंग सर्कल टाइम हमारे रिक्वेस्टेड सर ने भी बताया था, हमारे सीएम राइज में सुबह और शाम दोनों समय मीटिंग की जाती है। जैसा कि सर ने कहा था 10 बजे सारे शिक्षकगण आ जाते हैं और उनकी मीटिंग की जाती है। मीटिंग में बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण सर के द्वारा हमारे द्वारा बताई जाती है। सर्कल टाइम में सबसे पहले प्रार्थना कराई जाती है, प्रार्थना के बाद कभी एरोबिक और एक्टिविटीज भी कराई जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि छात्रों का विकास कैसे हो, समय समय पर उनका उनमें नवाचार और नई गतिविधि किस तरह से कराई जाए, सबके जो सुझाव होते हैं वो ये मॉर्निंग मीटिंग और इवनिंग मीटिंग में रखा जाता है। इवनिंग में दिन भर की गतिविधि में क्या हुआ, क्या उसमें सुधार होना चाहिए, बच्चों के विकास के लिए हम और क्या कर सकते हैं, हर दिन ये हमारे प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल मैम के मार्गदर्शन में चर्चा की जाती है। इसके बाद है हमारी असेंबली जो कि एक बहुत मुख्य भाग है। हमारी असेंबली शेड्यूल के अनुसार जैसा कि डला हुआ है सीएम राइज में होना चाहिए कि पहले आपको सारी चीजें एक प्रश्न बोलना है या फिर पंचांग बताना है, प्रार्थनाएं डे वाइज हमारा एक टाइम टेबल बना हुआ है किस दिन हमें किस असेंबली को कंडक्ट करना है, उसके अनुसार असेंबली होती है। असेंबली में बर्थडे का सेलिब्रेशन भी किया जाता है बच्चों का, जितनी तरह से जितने भी तरीके यूज किए जा सकते हैं उसे रोचक बनाने के लिए हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। कुछ एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे है असेंबली का जो आप सुन सकते हैं। वातावरण को
ये प्रोसेस है। वर्किंग लैब्स, हमारे यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी के वर्किंग लैब्स है और बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए सौभाग्य की पूरी सुविधाओं के साथ हमारे जो साइंस के टीचर हैं उनके द्वारा वर्किंग लैब में छात्रों को ले जाकर प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। वर्किंग लैब्स की यहाँ पे कुछ पिक डली हुई है जो टीचर छात्रों को सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। फिर है हमारी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हमारे सीएम राइस विद्यालय में है जहाँ पे एक समयबद्ध तरीके से छात्रों को पहुंचाया जाता है और उन्हें अध्ययन अध्यापन हेतु या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रेरित किया जाता है और शिक्षकों के द्वारा उनकी सहायता की जाती है। इसके बाद हमारे इवेंट्स हैं जो समय समय पर इवेंट्स यहाँ पे होते हैं उनमें से कुछ पिक हमने यहाँ पे डाली हुई है। ये जो यहाँ अभी आपको पिक दिखाई दे रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो नृत्य हुआ था कालिदास समारोह प्रतियोगिता उसमें हमारे विद्यालय सीएम राउस पाडोना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था और चित्रकला प्रतियोगिता में भी हमारे विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद बाल सभा, हर स्कूल में अभी ये नियम है कि हर एवरी सैटरडे बाल सभा होती है। बाल सभा में हमारे बच्चे पूरे जोश और उत्साह के साथ इंगेज रहते हैं, उन्हें किस तरह से जैसे 21वीं सदी के कौशल में कैसे आपको जीना है, आगे कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करना है, आने वाले समय को आपका कैसे सामना करना है, ये सब चीजें जो थीम दी जाती है उस पर हर शनिवार को बाल सभा कराई जाती है हमारे विद्यालय में। साइंस एग्जीबिशन, छात्रों के द्वारा बहुत मेहनत करके ये मॉडल तैयार किए गए थे और हमने बनाया था, प्रदर्शनी लगाई थी जिसके यहाँ पे कुछ क्लिप दी गई है और हमारे 80-90% बच्चों ने उसमें सहभागिता दिखाई और टीचरों ने भी। पेरेंट्स मीटिंग, समय समय पर हमारे यहाँ पेरेंट्स मीटिंग की जाती है। पेरेंट्स मीटिंग करने का उद्देश्य ये होता है कि हम उनसे मिलकर समझ पाए कि यदि कोई छात्र हमारा किसी तरह से परेशान है तो वो किस तरह से है, उसकी क्या समस्या है, कैसे हम अपने रिजल्ट को सुधार सकते हैं, कैसे हमारे स्कूल की उपस्थिति 100% बना सकते हैं, इस पर चर्चाएं की जाती है। अवर टीम, अब क्योंकि ये एक मिशन है तो इसे कोई अकेला व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, इसके लिए टीम की जरूरत होती है। जैसे समुदाय हमारा है ही क्लस्टर मर्जर, स्कूल का समुदाय, छात्रों का समुदाय, जैसे ही हमारे शिक्षकों का भी समुदाय है, जो सब मिलकर हम ये प्रयासरत हैं कि जो हमारा सीएम राइज का मिशन है और विजन है हम उसे पूरा करेंगे और इसमें हमारे छात्र भी हमारा साथ देंगे। धन्यवाद सभी को। और आपके प्रति एक बेटी वाला और बेटी वाले भांजा भांजियों का जो उनका एक संकल्पना है उसका ये सुंदर नजारा इस प्रांगण में नजर आ रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट विद्यायमान, बेटा जोरदार ऊपर दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आप सभी स्वागत करते हैं। अपने स्नेह की भाव तालियों के माध्यम से आप व्यक्त करें। कहते हैं कुछ करने की जब ठानो, कुछ अच्छा करने की सोचो तो कायनात भी साथ देती है। ऐसे व्यक्ति जो एक ऐसी संस्था बन जाते हैं उनका कर्म क्षेत्र, उनका कर्म सामर्थ्य उनको एक संस्था के रूप में विकसित कर देता है। ऐसे ही कर्मशील व्यक्ति आज हम सब गौरवान्वित हैं और वे हमारी सनातन परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं पुष्पों के माध्यम से। शुभ प्रभात की तुम हो पूजा, दिव्य ज्योति दिव्य आराधना, चंद्र किरण सी ध्वल उज्ज्वल, मंगल भाव से करें तुम्हारी अर्चना वंदना, शुभ वंदना शारदे माँ वंदना, भाव के साथ माँ सरस्वती के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा के एक नई प्रस्फुटन का प्रज्वलन कर रहे हैं। और
और भाइयों की, अभी सीएम राइज स्कूल जैसा बनने वाला वैसा देखा आपने, कैसा लगा? ये अकेले इंदौर में नहीं, इंदौर में चार और कुल मिला के प्रदेश में 69 सीएम राइज स्कूल का आज शिलान्यास हुआ है। अच्छे लगे स्कूल?